Next question. Uh, question says two identical piano wires kept under the same tension T have a fundamental frequency of 600 Hz. Savale so, the fractional increase in the tension of one of the wire which will lead to occurrence of six beats per second. वेन बोथ वायर ऑसोलेट टुगेदर वुड बी ऑप्शन है जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री एंड जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर अगेन बहुत ही सिंपल कॉन्सेपचुअल सवाल है यहाँ पर आपका इसके फॉर्मूले चाहिए आपको वे वे वेलासिटी के प्लस यहाँ पर थोड़ा सा एरर एनालिसिस का भी यूज़ होएगा ये बात अपने को पता है कि जब हम बात करते हैं फ्रीकेंसी की तो हम कहते हैं फ्रीकुंसी जो आपकी पहले ऐसे बना लेते हैं ये आपकी मान लीजिए वायर है एक वायर ऐसे है और दूसरी वायर आपकी ऐसे है हाँ दोनों में आपने सेम टेंशन दी हुई है तो टेंशन टी यहाँ पे इसमें टेंशन टी है सेकंड केस में हमने टी प्लस डेल्टा टी यहाँ पे कर दिया है थोड़ा सा यहाँ पे हमने इस टेंशन को इंक्रीज़ कर दिया है हमें जो वैल्यू बतानी है फ्रैक्शनल इंक्रीज़ यानी कि डेल्टा बाई डेल्टा टी बाय टी की वैल्यू बतानी है हाँ सो ये बात अपने को पता है फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं वन बाय टूएल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू ये आपकी uh, इसकी फ्रीक्वेंसी uh, uh, की वैल्यू आती है नाउ हम यहाँ चाहते हैं फ्रीक्वेंसी में जो आपका फ्रैक्शनल uh, चेंज है सो डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ वो उसकी वैल्यू अगर हम इसको एरर एनालिसिस करें सो दिस विल बी इक्वल टू वन बाय टू डेल्टा टी बाई टी ये वैल्यू हो जाएगी बिकॉज ये बात अपने को पता है म्यू कॉन्सटेंट है और एल यहाँ पे हम दोनों की कॉन्स्टेंट रख रहे हैं इसका मतलब ये है दिस uh, इम्प्लाइज कि आपका डेल्टा टी बाई टी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस डेल्टा एफ बाई एफ के अलाइट यहाँ पे डेल्टा एफ की जो वैल्यू है वो अपने को दे रखी uh, दी हुई है सिक्स बीट्स पर सेकेंड ओरिजिनल उसकी वैल्यू है सिक्स हंड्रेड हर्ट सो इसका मतलब ये हो गया दिस विल बी इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स हंड्रेड फ्रीक्वेंसी आपकी इनिशियली सिक्स हंड्रेड है सो so इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सिक्स विल गेट कैंसिल, तो आपका डेल्टा टी की फ्रैक्शनल चेंज जो आया दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट जीरो टू इट विल बी वन बाय सॉरी टू बाय हंड्रेड सो जीरो पॉइंट जीरो टू ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम